हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने लगभग आधा काम किचन का कर लिया है, यानी खाना आधा अधूरा बना लिया है। आज है चिकू के डाइट में प्याज का पराठा और पुदीना की चटनी। तो पुदीना की चटनी तो मैंने सुबह उठ के उठ गई थी तब मैंने प्रिपेयर कर ली थी। अब बनाऊँगी मैं प्याज का पराठा और चिकू आ जाएंगे अभी खाने के लिए। और 2 मिनट बैठ जाती हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं रेडी हुई हूँ, तो चैन की सांस आपके साथ ली जाए और फिर हम चलेंगे किचन में और वहाँ पर बनाएंगे प्याज का पराठा। पराठे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे सभी टाइप्स के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए चलते हैं किचन में। मेरे जूते पहन लेती हूँ, मैंने ऑर्डर किए थे जूते पर वो बड़ी साइज़ के आ गए थे, अब ये वाले जूतों में भी थोड़ा सा स्पंज बैठ गया ऐसा लग रहा है। और हाँ, मैं परसों लाई थी भाभी के यहाँ से साड़ी, मैंने आपको दिखाई नहीं, बहुत ही प्यारी साड़ी। अब इसको करवाऊँगी रेडी और इस पर बनाऊँगी मैं एक ट्यूटोरियल। तो अगर ये साड़ी आपको अच्छी लगी हो, तो इस टाइप की अगर आपको साड़ीज़ बाय करनी हो, तो इंस्टाग्राम पर पेज है हिनाया हथकर का, आप वहाँ पर जाके उनको DM करके जो भी पसंद आए वो साड़ी सेलेक्ट करके सेंड करके आपके पास वो साड़ी आ सकती है। अगर आपको कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आप परचेजिंग करो। ये प्याज की स्टफिंग मैंने रेडी कर दी। इसके अंदर मैं नमक नहीं डाला था क्योंकि नमक डालने से पानी का सिंक्रिएशन होता है, इसलिए तो अब डालूंगी मैं नमक। ये रहा आज का मेरा लंच, और लंच करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक बार ख़त्म कर लूँ, थोड़ी भूख लग गई है, कल का उपवास है इसलिए। मेरे और चिकू के लिए तो खाना बना दिया था, अब मम्मी पापा के लिए बना देती हूँ। मूंग बॉईल किए थे तो मूंग की दाल बना दूँ, मूंग बना दूँगी और रोटी और चावल, तो इसलिए बनाते हैं। चावल बन रहे हैं, ये दाल का मसाला जब तक होता है तब तक रोटियां बना देती हूँ, फिर जाती हूँ दौड़ की दुकान क्योंकि फ़ोन भी आ गया और लेट जाना भी सही बात नहीं है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ घर के कामों में। रोटी बनाने वाला आटा खत्म हो गया थी। खाना हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं रूम में, थोड़ा सही से वापस रेडी हो जाते हैं, फिर जाते हैं शॉप पर। आ गई हूँ 50 मिनट पर और चिकू करवा रहे हैं वेट, लेके जा नहीं रहे। अभी आ गई हूँ ये शॉप पर और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट एंड फिर करते हैं काम स्टार्ट शॉप पर जो भी है वो। तो आज करवा रही हूँ मैं ऑयलिंग और कल करूँगी बालों को वॉश। तो आज ऑयलिंग करवा के मैं सोच रही हूँ आज बालों को स्टीम भी दूँ, ताकि स्टीम से क्या ऑयल अंदर पूरा सही से एब्जॉर्ब होगा और जो मुझे और अच्छे से न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो मिल पाएंगे। तो चलिए अब हेयर में करवाते हैं ऑयल। अंदर लगा रही थी नेल पेंट और लाइट ही चली गई, गोल्डन कलर की नेल पेंट लगाई है अभी तो मैंने, फर्स्ट टाइम ट्राई की, अब कैसी लगती है देखते हैं। और यहाँ पर बारिश हो गई है चालू, ऐसी दिख रही होगी क्योंकि बाहर थोड़ा मस्त अलग हो गया इसलिए।
अभी बज रहे हैं 5:30। अभी हम लोग बैठे हैं बाहर क्योंकि लाइटें चली गई हैं और बारिश को कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि बारिश का मौसम देख सकते हो आप कैसा हो रहा है। और थोड़ी सी बारिश आके चली गई, यहाँ पे हैप्पी वे भी कर रहे हैं ब्लॉग, जो कि अभी इन्होंने अभी स्टार्टिंग किए। इसके इनके चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करो, निखिल पंचाल नाम है इनके चैनल का, आप भी बोलो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इनके चैनल के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और रोमा को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मज़ा आ रहा है अब साथ में ब्लॉग करने का, एक दूसरे से पता चल रहा है इस टाइम पे ब्लॉग करना चाहिए। और अभी हम ले रहे हैं बारिश के मज़े, जैसे कि हैप्पी बिया को खानी है पकौड़ियाँ, पर यहाँ पर अब अवेलेबल है नहीं तो वो पॉपरिंग से काम चला रहे, पास में लेके बैठे हैं। और ज्योति हम दोनों को देख के ब्लॉगिंग करने का सोच रही है। बस ये रोड गीली करके चली गई है बारिश, ढंग से कुछ बारिश आई ही नहीं है, दिमाग हो गया है खराब और लाइटें भी चली गई है कम पड़ रही है। बोल मैं कैसे बोल रही थी। अभी तक हमारी बैटरी से वो सही हो गया आई नहीं है, ज्योति उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। और ये बारिश ने अपना रोड बदल दिया है, वापस से स्पीड बदल दी है, आप देख सकते हैं ये बारिश को इसकी बुराई बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये बारिश भी यानी बुरा लग गया बारिश को, बारिश आ गई है तेज क्योंकि आके चली गई थी। अब मेरा इसमें देखना पड़ेगा मेरा फेस दिख रहा है लाइटें आ चुकी है और ये अब आ गए हैं दुकान में और अब मस्ती से एसी चालू करेंगे और लेंगे बारिश के मज़े। बड़ी मुश्किल से ठंडा होने का हमको एहसास ही हुआ था कि इतने में लाइटें चली गई, अभी जस्ट एसी चालू की थी, लाइटों ने किया हम पे बहुत हंसी सितम कर रही है कल की हम पे लाइटें, कल पूरा दिन लाइटें नहीं थी, कल नहीं परसों पूरा दिन लाइटें नहीं थी और आज जैसे ही बारिश की एक बूंद गिरी लाइटों वालों को पता चल जाता है हमको बस इलेक्ट्रिसिटी काटनी है अभी कट करके। तो अभी हम जा रहे हैं घर पर और ये नितेश जी मेरे को लेने आ गए जो कि गीली सीट के साथ, आसमान हो गया है क्लीन एकदम, बारिश आई थोड़ी सी पर बारिश ने बहुत परेशान किया। ये आ गया है हमारी डेयरी मिल्क चॉकलेट और मैगी जो कि चिकू के आज डाइट में है। घर पर आ गई हूँ और अभी जस्ट आई, पानी वगैरह भी पीऊँगी, फिर पड़े हैं ये इतने सारे कपड़े, 2-3 दिन के शायद इकट्ठे हो गए इसलिए समेटने हैं, तो कैमरा रख दूँगी एक तरफ ताकि आप देख पाओ और मैं करती हूँ मेरा काम। कपड़े समेट दिए हैं पूरे और जिस जिस की जगह पे भी रख दिए हैं और यहाँ पर शायद एक और मेरा पार्सल रिसीव हुआ है नितेश पंचाल, तो शायद इसमें मेरी एक और साड़ी आई है, बहुत सारी मंगाई थी पता नहीं है कितनी है। ये साड़ी तो अच्छी आई है, बहुत ही प्यारी लग रही है और इसके साथ आया है ये पिच ब्लाउज, आई थिंक दिस इज सॉफ्ट ऑर्गेंजा मे बी, और साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनेगा, आके करने लग गए थे काम तो अभी यानी 5-10 मिनट रेस्ट करती हूँ और फिर खाना वगैरह बनाऊँगी क्योंकि अभी बज रही है लगभग 7 और चिकू के है डाइट में मैगी, तो चिकू मैगी बना लेंगे और मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं तो आपको भी मैं बताऊँगी कैसे वो बनाते हैं। 10 मिनट तो रेस्ट बनता है, चिकू बना रहे हैं मैगी तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं।
सारी बन रही है तब तक हम रूम में जाते हैं और चिट करते हैं। तो दिखा देते हैं आपको मेरे पति देव के हाथ की मैगी। इसके ऊपर अभी थोड़ी सी डालेंगे कोरिएंडर, नहीं ऑरिगेनो क्यों डाल दो, ऑरिगेनो भी डालना है, ठीक है ऑरिगेनो डालेंगे थोड़ा सा और कोरिएंडर डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तो चलिए करते हैं, ये देखिए हमारी मैगी, अब इसको फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई है चिकू ने। अगर मेरे जो भी व्यूअर हैं उनमें जो स्पेशल मैगी लवर हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे को तो मैगी सिर्फ चिकू के हाथ की अच्छी लगती है और मेरी मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है, बाकी मेरे को मैगी ऐसे नहीं पसंद है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चलो खाना वगैरह सब हो गया है और अभी करती हूँ मैं व्लॉग का एंड, क्योंकि मैं थक गई हूँ और बस अब सोना है मुझे, कपड़े वगैरह चेंज करके मैं नाइट रूटीन फॉलो करके। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, बाय।